नमस्कार। आज पूरा विश्व और भारत एक अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम में से निकल रहा है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस समस्या का कोई समाधान विश्व के किसी देश के पास अभी तक नहीं है, नोन नहीं है। आप चाइना की बात कीजिए, आप जर्मनी की बात कीजिए, इटली, स्पेन, यूएस, इन सब कंट्रीज़ की बात कीजिए, यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, डेट आर मच मोर अहेड देन इन इंडिया। सो ओनली क्योर फॉर दिस प्रॉब्लम इज प्रिवेंशन। सो आई विल एडवाइज दैट प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, एंड टुमारो आवर प्राइम मिनिस्टर हैव डिक्लेयर्ड जनता कर्फ्यू फॉर दिस। सो दिस जनता कर्फ्यू इज असेंशियल फॉर ब्रेकिंग दिस साइकिल। Now what to do in this janta curfew? So now what you can do probably is, मैं आपको एक सुबह से शाम तक की एक दिनचर्या बताता हूँ, कुछ काम करने के लिए बताता हूँ। आप वो करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी पिछले बहुत समय से जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो फैमिली से दूर रहने वाला हो गया, परिवार के साथ नहीं रहते हैं। परिवार में रहते हैं, परिवार के साथ नहीं रहते। तो कल का एक दिन आप इसको यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार के साथ कनेक्ट करने के लिए, बैक टू बेसिक्स, अपनी जड़ों पर वापस जाने के लिए। सुबह उठिए 6:30-7 बजे, जो आपको समय ठीक लगे, और कल के दिन में एक संकल्प लीजिए, आप अननेसेसरीली अपना फोन नहीं छुएंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इन सब पर जाकर के फिल्में नहीं देखेंगे, कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखेंगे। आप इस पूरे दिन को उपयोग करेंगे अपने आप को, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने एंसेस्टर्स, उनके साथ रिकनेक्ट करने के। आप सुबह उठिए, सुबह उठकर अपने नित्य कर्म से, जो भी आपका डेली सुबह का कार्यक्रम रहता है उससे निवृत्त होकर के आप परिवार के साथ बैठिए, और परिवार के साथ बैठ करके पूरा दिन प्लान कीजिए। और उस प्लानिंग में सुबह का जो नाश्ता है वो आप स्वयं बनाइए, घर के पुरुष हस्बैंड्स वो नाश्ता अपनी वाइफ की सुपरविजन में बनाए, बच्चों को साथ लगाइए, बच्चों को किचन में थोड़ा लगाइए, बच्चों के साथ बात कीजिए। उसके बाद कुछ इंडोर गेम्स प्लान कीजिए, वो इंडोर गेम्स खेलिए। इंडोर गेम्स खेलने के लिए कुछ सुविधाएं, छोटी छोटी गेम्स, मेरी आयु में अगर आप हैं तो आपने अपने समय में कैरम, चेस, ये सब खेला होगा। एक खेल और खेलते थे, चिड़ी और तोता, वो भी खेलिए, आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब आप पत्नी का थोड़ा हाथ बटाएंगे, अपनी वाइफ का थोड़ा, अपने बेटर हाफ का थोड़ा हाथ बटाएंगे किचन में जा करके, तो उसका भी अच्छा लगेगा। परिवार में अपने परिवार की हिस्ट्री, अपनी 2-3 generations की हिस्ट्री अपने बच्चों को बताइए। आपको नहीं मालूम है तो अपने पेरेंट्स से पूछ करके उनको बताइए, और घर में यदि ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके साथ बैठिए, उनको कहिए, वो बच्चों पर बताइए। बच्चों को अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, आप कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कौन से गाँव से आए, कौन से शहर से आए, ये सब अपने बच्चों को बताइए। कॉस्मोपॉलिटन लाइफ है, सब लोग शहर में रहते हैं तो नहीं मालूम है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। यदि मालूम है तो बहुत अच्छा, परंतु 2-3 पीढ़ी पीछे का बताइए। सब फैमिली मिलकर के दोपहर का लंच बनाइए, लंच कीजिए। यदि सुबह संभव हो किसी प्रकार की कोई पूजा, कोई योग, कोई ध्यान अगर आप करते हैं, मेडिटेशन आप करते हैं, तो सुबह वो भी कर सकते हैं, वो भी कीजिए। परिवार मिलकर के लंच बनाइए, उस लंच के बाद जो है वो आपस में बैठ करके कुछ इंडोर गेम जो आपने सुबह प्लान की थी वो खेलिए, वो करिए। वो करने के बाद शाम को जब आप उसके बाद डिनर प्लान कीजिए, प्रयास कीजिए बाहर से नहीं मंगवाएं, कोशिश कीजिए, जस्ट ट्राई टू मेक इट एट होम, प्रिपेयर एवरीथिंग एट होम। तो वो जो बाहर कोई भी आपके लिए घूमेगा, सो ही विल बी प्रोन टू द कोविड और कोरोना। सो डू दिस, एंड इन द इवनिंग अगेन सिट विद योर पेरेंट्स, इफ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट योर प्लेस, सिट विद देम, टेल देम टू टीच, टेल देम टू टेल सम गुड स्टोरीज टू योर किड्स, उनको थोड़ा अच्छी कहानियाँ इस प्रकार की बताइए, और साथ में अपना डिनर प्लान करते हुए डिनर कीजिए। डिनर करने के बाद और सोने से पहले आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, 5-7 मिनट बच्चों के साथ बैठ करके उसके विषय में चर्चा कीजिए, उसका ध्यान कीजिए, और उसके बाद आप सोने के लिए जाइए। शुभ रात्रि। आप ये करेंगे दिन भर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वापस जो बैक टू बेसिक्स या कनेक्ट टू रूट्स, कनेक्ट टू प्रकृति की जो हम बातें करते हैं, वो सब आप कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नमस्कार।